श्री गणेशाय नमः। श्री राम जानकी वल्लभ विजयते श्री रामचरितमानस पंचम सोपान सुंदरकांड। शांतम शाश्वत प्रमेयम अनघम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभो फणीन्द्र सेवमीशम वेदांत विधम विहम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुमानुष्यम हरि वंदेहं करुणाकरं रघुरं भूपाल चूड़ामणि नान्यसंप्रहार भूपते हृदय संदिये सत्यं वदामि जय भवान खिलांतरात्मा भक्तिं प्रेक्ष रघुपुरं निर्भराम में कामादि दोष रहितं कोमानसं च अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवल्लकृशानं ज्ञानिनाम अग्रगण्यम् ओ मेरी राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान जी मेरी राम जी से राम राम कहियो कहियो जी हनुमान जी मेरी राम जी से राम राम कहियो कहियो जी हनुमान जी मेरी राम जी से राम राम कहियो कहियो जी माहि मारि मारि सुत बीरा हरि पार गौ मति बीरा
चढ़ो भय त्यागे मानक शुकर दिखे अधिकारी प्रभु तात कृपा नहीं खाए पर चढ़ लंका तहि देखे कहि न जाय एक दुर्ग विशेषी अति पतंग जल निज चहु पासा कनक कोट कै परम प्रकाशा कनक कोट विचित्र मुनि कृत सुंदरायत राघन चहु के मर्थ सुभक्त बेत चारुपुर बहु विधि बना पद पाद कर निकर पद जस पुत बरो तनि दो गने बहु रूप ने चर जोठ अति बल से भर नत नहीं बने मन पाद उपमन बाटिका सर कोप पापी सोहे नर नाग सुर गंधर वगन्ना रूप भूमि मन मोहि कहु बाल सुर गंध कहु बाल देह साल से समान अति बल गर जहि नानाय कारण बिरहि बहु विधि एक एक तन जहि कर गतन भट को तन नगर चहु बसिरा छहि कहु मन समानस देह कर अज फल निसाचर भजोई एहि नाग तुलसी दास इनकी कथा कछु लग है कहि प्रभु वीर सर ते रथ शरीर त्याग गति पहि सही कुल रथ मारे देख बहु कपि मन कीन विचार अति लघु रूप धरो निसे नगर करो पैसा सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम असक समान रूप कपि धरई लंके उठय राम लंकिनी एक निश्चरी सो कह चल सिंधुरी नरकी कान्हि नहीं पंभो सठ मोरा और भार सहा लगी छोरा मुठिका एक महाकपि हनई रुद्र पमत नर नीतन महे गुरु संभारित कई सो लंका जोड़ पानि कर बिनय सतनका जब रावण ब्रह्मावर दीना चलत बिरन चिक्का गल हो सिते कपि के मारे सब जाने सुबे चर संसारे नात मोरे अति पुण्य बहुता देखो नयन राम तात सर्ग अब बरक सुखो करे तुलाए के सत संग सिया कर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम बसी नगर की जे सब काजा हृदय राखी कौशलपुर राजा हर लसुधार पुकी रही बताई ओ मन से दुमनल चित लाके अरुण सुमेरु रेणु समताई राम कृपा कर दीवा जाई अति लघु रूप धरे हरि हरि
प्रभु श्री राम की आज्ञा पाकर हनुमान जी महाराज माँ जानकी का पता लगाने के लिए लंका नगरी में पहुंचे हैं। कहते हैं जब धर्म के रास्ते पे जाते हैं तो विभिन्न कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसी प्रकार हनुमान जी महाराज के जब धर्म के रास्ते पे चले माँ जानकी का पता लगाने के लिए तो उन्हें भी बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। सुरसा नाम की राक्षसी ने रोकने का प्रयास किया, लेकिन हनुमान जी महाराज ने बड़ी चतुराई से उसे मात दी। मैनाक पर्वत में हनुमान जी महाराज को लोभ लालच देना चाहा कि मेरे पे विश्राम करो, लेकिन हनुमान जी महाराज उस पर विश्राम किए बिना ही 7 योजन पार करके समुद्र पार करके लंका नगरी पहुंच गए। हनुमान जी महाराज ने अपनी बलता और बुद्धि का बड़ा सुंदरता परिचय दिया इसके अंदर। हमारे साथ भी यही होता है, जब धर्म के रास्ते पर चलते हैं तो हमें काम क्रोध मद लोभ ये सब हमारे बीच में आते हैं, हमें भक्ति के मार्ग पर जाने से रोकते हैं। लेकिन हनुमान जी महाराज मैनाक पर्वत पर न रुककर हमें यह परिचय दिया, कभी भी लालच में न आए, ये माया यही रह जानी है, प्रभु का नाम एक साथ में जाना है। हनुमान जी महाराज जब लंका नगरी पहुंचे तो इतने राक्षस देखे उन्होंने, इतने पहरेदार देखे। हनुमान जी महाराज एक मच्छर का रूप बनाकर लंका नगरी में प्रवेश किए, फिर भी इतनी कड़ी व्यवस्था थी वहां की, एक राक्षसी की नजर हनुमान जी महाराज पर पड़ गई और हनुमान जी महाराज ने उसको भी उद्धार किया। रामायण की चौपाइयों में लिखा आता है, मंदिर मंदिर प्रतिकर सोधा देखे चहते हैं अग्नि तोधा। संतों ने प्रश्न किया कि लंका नगरी तो राक्षसों की नगरी थी, फिर वहां पर मंदिर कैसे आ गया? तो हनुमान जी महाराज कहते हैं, जहां पर हनुमान जी महाराज की मूर्त रख दी जाए वो घर मकान घर न रहकर वो मंदिर बन जाता है। तो स्वयं हनुमान जी महाराज एक एक महल के अंदर जा रहे थे माँ जानकी को ढूंढते हुए, तो फिर वो महल महल नहीं रह गए, वो मंदिर बन गए।
सबसे पहले रावण के महल में देखा, वहां माँ जानकी नहीं मिली। ढूंढते ढूंढते विभीषण के महल के आगे पहुंचते हैं तो वहां बाहर देखा नव तुलसी का वृंद तहन, देख हर्ष कपड़ा है। हनुमान जी महाराज तुलसी का पौधा देखकर बड़े खुश हुए। कहते हैं तुलसी का पौधा सनातन धर्म का परिचय माना जाता है। जिस घर में तुलसी का पौधा लगा होता है अवश्य ही वहां पर कोई सनातनी रहता है। हनुमान जी महाराज ने सोचा इस लंका नगरी के अंदर तुलसी का पौधा कौन लगा सकता है। बाहर दरवाजे पे लिखा था राम। राम का नाम देखकर हनुमान जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए। राम नाम लेने वाला इस लंका नगरी में कौन है। हनुमान जी महाराज विभीषण के महल के आगे विप्र का रूप बनाकर, एक साधु का वेश बनाकर, एक ब्राह्मण का वेश बनाकर राम नाम का कीर्तन करने लगे। और राम नाम का कीर्तन सुनकर विभीषण चौंके। विभीषण सोचने लगे कि आज तक लंका नगरी में तो मैं ही राम नाम कहने वाला था, दूसरा कौन आ गया। विभीषण बड़े बड़े दौड़ कर बाहर आते हैं, देखते हैं हनुमान जी महाराज एक साधु को देखते हैं। कहते हैं चार मिले 64 खिले, 20 रहे कर जो, हरिजन से हरिजन मिले तो पुल के सप्त करोड़। जब एक भगवान का भगत भगवान के भगत को देखता है तो बड़ा प्रसन्न होता है। हनुमान जी महाराज ने जब विभीषण को देखा तो बड़े प्रसन्न हुए। दो आंखें विभीषण की, दो आंखें हनुमान जी महाराज की, चार मिले 64 खिले। जब दोनों ने दूसरे को देखा तो 32 के 32 दांत, बड़े प्रसन्न हुए, हंसने लगे। 20 रहे गर्जोर, बुझाएं फड़कने लगी, एक दूसरे को गले लगाया। चार मिले 64 खिले, 20 रहे गर्जोर, हरिजन से हरिजन मिले तो पुल के 7 करोड़। 7 करोड़ रोम छिद्र पुलकित हो गए। 3.5 करोड़ रोम छिद्र होते हैं एक इंसान में, 3.5 करोड़ हनुमान जी महाराज कर 3.5 करोड़ विभीषण जी। हनुमान जी महाराज से तो पूछा विभीषण ने, तो हनुमान जी महाराज ने बताया कि मैं राम का सेवक हूँ, माँ जानकी का पता लगाने आया हूँ। और जब बताया कि माँ जानकी कहाँ है तो अशोक वाटिका में है। अशोक वाटिका में माँ जानकी का पता लगाने के लिए हनुमान जी महाराज जा रहे हैं। और वहाँ जब जाकर देखते हैं माँ सीता किस प्रकार से वियोग से अशोक वृक्ष से अपनी मौत मांग रही है कि हे अशोक वृक्ष मुझे तुम मौत दे दे अगर मेरे राम से नहीं मिला सकता। जान कब आएंगे मुझे अपना बनाएंगे, मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएंगे। हे अशोक तू सबका शोक हटता है, सबके संकट दूर करता है, सबका पीड़ा दूर करता है, तेरा नाम इसीलिए अशोक है। माँ जानकी सीता, माँ सीता कह रही है अशोक से, ओ कब आएंगे मेरे श्री राम, 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 मेरे श्री राम, सुनाएंगे कब आएंगे मेरे श्री राम, कब आएंगे मुझे अपना बनाएंगे, कब आएंगे मुझे अपना बनाएंगे, कब आएंगे मुझे अपना बनाएंगे, मुझे गले लगाएंगे, मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएंगे, कब आएंगे मेरे श्री राम, कब आएंगे मेरे श्री राम, कब आएंगे मेरे श्री राम, कब आएंगे मेरे श्री राम। अरे श्री राम चंद्र भगवान की, बड़े
थक गए नैन मेरे रस का निहार रे, थक गए नैन मेरे रस का निहार रे, आजा मेरे प्रीतम को जीने दया दार, आजा मेरे प्रीतम को जीने दया दार। कब आएंगे मेरे श्री राम, कब आएंगे मेरे श्री राम, कब आएंगे मेरे श्री राम, कब आएंगे मेरे श्री राम। सुंदरकांड की पुस्तक में देखिए गए के देखिए निकाल लीजिए सभी साथ में, और चौपाई गाते हुए माँ जानकी के साथ में कहेंगे, करु पल्लव महु रहा रुपाई, करे विचार करो का भाई, तेहि जब सररा वन पे आवा, संग लारी बहु दिए बहु बिन फरसी तेहि समझा, साम दाम भरत भेद कछु रामो सुनु समुख सयाली, महंदो भरिया तब अनु करी कर मन मोरा, एक बार ¡Gracias!
Yeah.
ये की आवाज़ अभी भारी
नहीं करता कुछ मारे कुछ मरे देसी कुछ मिले धरी दूर कुछ पुन जाए पुकारे तुम पर कट पर पूर सियावे राम जय जय राम Come on.
Yeah.
राजा मिले सकल अस भय सुखादे गंगे हर्षर सुखाय सुखाता मन भी कर सब हारे सुनी सुनी वह रश कपि करिया है प्रभु का दुखिया Thank you.
सुतानी उर लाए भले उस भाव का अधिकारी
नारी चौ चौथ के चंद किनारी ओदे भुवने की पति होई ओत रोत स्थाई ने सोई गुरु सागर ना कर नरवाओ फल फल लोभ बल कर को हम क्रोध मद लोभ सब हाथ न रख के पंथ सब परिहय रघु भी रही भजो जय जय संत सियावर राम जय जय राम जैसे ही रावण ने विभीषण को छोड़ दिया, विभीषण छोड़कर राम की नगरी में चला गया, तब से ही आयुहीन हो गया रावण, मृत्यु निश्चित हो गई, काल के बस में हो गया। इसलिए अपने घर में हमें चाहिए प्रभु राम नाम का कीर्तन हम करते रहे, बच्चों में संस्कार हम देते रहे, राम नाम कीर्तन करते रहे, ताकि हमारे जीवन से राम न जाए और हम लोग सतायु हों और निरोगी हों।
सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम Thank you.
Yeah.
सुगरीब भगत कपिधाये आगे करते जहाँ पधराये रूप का मार है कपिलागे दीन पुकार तदिन रागे ओ हमार हर नासा काना एक उतला भी सुपे आखा सुर्ग छबड़ तब निकट पुलाये दया लागे हर दुर्ग राम जय 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 राम ज
सुनाए बोल बना कर कहने अकाशा कैसे बनात सत्य सब मानी सुनत बचन मन परिहर क्रोधा कोमल रघुवीर सुभाओ प्रभु करे हरही जनक सुता रघुनाथ ही दीजे जब नहीं कहा बेन दे नाई चरण सिर चला सुता हरे प्रणाम निज कथा सुनाए ऋषि अगस्त के साप भवानी बंदी राम पद बार ही बारा दिनेन मानत जलधि जड़ गए तीन दिन बीत बोले राम सो पद निज भवन गव सिंधु श्री रघुपति यह मत पाया यह चरित कलिमल हर सुख भवन समन दव शाद रघुपति गुण गना सकल सुमंगल नायक रघुनायक गुणगान सादर सुनहित तरहि भव सिंधु बिना
बोलिए सियापति राम चंद्र भगवान की जय हो। मास प्रायण 24वां विश्राम सुंदरकांड की जो है अंतिम चौपाई है, अंतिम दोहा है। अगर आप पूरे सुंदरकांड में नहीं बैठ पाए, नहीं सुन पाए, किसी कारणवश नहीं बोल पाए, अगर अभी भी आप इस चौपाई के साथ, इस दोहे के साथ सम्मिलित होते हैं, तो हमें प्रभु के पूरे सुंदरकांड का लाभ मिलता है। आइए सभी मिलकर अपने मुखार बिंद से सभी मेरे साथ बोलेंगे। सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहित तरहि भव सिंधु बिना जल जान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियापति रामचंद्र भगवान की।